सर क्या मामला था साइबर क्राइम का? जनपद में साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान के अंतर्गत कई ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट से फर्जी तरीके से जो पैसे निकाले गए थे वो जनपद पुलिस की तत्परता के कारण उनको वापस लौटाए गए थे। ऐसे ही लोगों को बुला करके उनसे चर्चा की गई, किस तरह से उनके पैसे निकाले गए, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ, ये उनसे बात की गई ताकि हम इस बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें और जनता को बता सकें। कितना पैसा में सभी लोगों को बुलाया गया था और उनके साथ चर्चा की गई थी। इन सभी लोगों में कुल 13 लोग थे जो आए थे और इनका करीब 10,65,000 रुपया, विभिन्न लोगों का विभिन्न अमाउंट का रुपया उनको वापस किया गया था। इनमें से कई लोग थे जिनका 100% जितना उनका पैसा गया था उनको वापस मिल गया, कुछ लोग थे जिनको थोड़ा कम मिला। इसमें जो ज़रूरी बात ध्यान देने योग्य बात है वो दो ही हैं कि नंबर एक, अपना OTP किसी को ना दें, क्योंकि एक चीज़ जो सब में कॉमन थी वो ये थी कि सब ने जो है किसी भी तरह से जाने अनजाने अपना OTP जो है दे दिया था। ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि सब में कॉमन था। और दूसरी चीज़, आपके साथ जैसे फ्रॉड हो, जैसे इस तरह कोई मैसेज या सूचना आपको प्राप्त हो, तुरंत संबंधित पुलिस को आप सूचित करें। जिन लोगों ने समय रहते जल्द से जल्द सूचित किया था उनको अपना पूरा पैसा मिला था, और जिनको जिस तरह से विलंब होता गया उनका उसी हिसाब से कम उनकी वो होती गई।